गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? पहले मैं एक वीडियो बना के भेजा था, आप उन्हें पढ़े हैं या देखे हैं? आज मैं फिर से ये पाठ दूसरा परिवहन के साधन आपके सामने लेकर आया हूँ, आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये परिवहन क्या है? परिवहन वह साधन है जिससे मनुष्य और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थान पर लाया या ले जाया जा सकता है। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था तो लोग अपने सामानों को कंधे पर रखकर वे जाते थे और पगडंडी से होते हुए वे दूसरे जगह चले जाते थे, क्योंकि पहले जो सड़क थी वह सड़क जो है कच्ची सड़क थी, उसमें चलना बहुत ही मुश्किल होता था। कहीं गड्ढे, कहीं उबड़ खाबड़, कहीं वो जगह जो है समतल नहीं थी, इसलिए लोगों को आने जाने में बहुत ही कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। धीरे धीरे लोग परिवहन के कुछ साधनों का उपयोग करने लगे, जैसे पशु, मोटरगाड़ी, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, जहाज, हवाई जहाज इत्यादि। तो पशु अगर दूर जगह जाना होता है तो वे पशु का सहारा लेते थे, जैसे घोड़ा, बैल, गाड़ी इत्यादि। वे उस पशु पर अपने सामानों को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। दूसरा है मोटरगाड़ी। मोटरगाड़ी जो है हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं, और बस अगर दो तीन या चार घंटे की रास्ता अगर तय करना है तो हम बस या रेलगाड़ी या हवाई जहाज से हम लोग तय करते थे। इसके बाद परिवहन स्थल जल और वायु मार्ग से भी होता है। स्थल जो जमीन पर चलने वाले वाहन हैं, जल जो पानी में चलते हैं, और वायु जो हवा में उड़ते हुए जाते हैं वे साधन। और सड़कें दो प्रकार के होते हैं। सड़कें कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है कच्ची सड़कें और दूसरा है पक्की सड़कें। तो कच्ची सड़कें जो हैं ये अक्सर उबड़ खाबड़ यानी समतल नहीं होते हैं। ये सड़कें जो हैं बिल्कुल समतल नहीं है, इसमें पैदल भी चलना बहुत कठिन होता है और इसमें धीरे चलने वाली सिर्फ सवारियां ही चल सकती है, जैसे बैलगाड़ी या पैदल या साइकिल से हम लोग इस कच्ची सड़कों पर चल सकते हैं। दूसरा है पक्की सड़कें। पक्की सड़कें जो हैं कंकड़, ईंट, कोल तार आदि वस्तुओं से बनाया जाता है और यह इतना मजबूत होता है कि इसमें अगर भारी वाहन भी अगर इस पर चलते हैं तो वो सड़क जो है टूटता फूटता नहीं है। और इस सड़क पर वाहन तेज़ी से दौड़ सकते हैं, जैसे मोटरगाड़ी, बस, ट्रक, स्कूटर इत्यादि। तो ये हो गया
परिवहन के साधन जिसका हम लोग प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। तो आपके लिए आपका गृह कार्य होगा कि परिवहन से आप क्या समझते हैं उसको लिख कर लाइएगा, और दूसरा है कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं उनका नाम लिख कर लाइएगा, और कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें में क्या अंतर है उनके दो दो उदाहरण आप लिख कर लाइएगा, और अगला बार मैं आपको जल और वायु मार्ग के बारे में बतलाऊंगा। थैंक यू बच्चे।